So yes guys, मैं जानता हूँ मैं काफी लेट हो गया हूँ इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने में, बट यस फर्स्ट पार्ट में काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। तो यस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेटोस वर्सेस एवेंजर्स पार्ट 2 की। और गाइज इस वीडियो में हमने एवेंजर्स के और भी मेंबर्स को ऐड किया है, जैसे कि कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉर मशीन, विंटर सोल्जर, फैल्कन, ब्लैक पैंथर एंड ऑफकोर्स स्कारलेट विच। एंड यस इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज फिर ये एक फेयर बैटल नहीं होगी क्रेटोस के लिए। सो यस गाइज पहले हम इनके सिंगल मेंबर्स का कंपैरिजन क्रेटोस से करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे जब ये सारे सुपर हीरोज और ओरिजिनल सिक्स एवेंजर्स एक साथ बैटल करेंगे क्रेटोस के खिलाफ तो कौन होगा विक्टोरियस। सो यस गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप लोगों ने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड यस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा उस पर क्लिक कर देना एंड बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा देना ताकि आप हमारे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाए। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो पहले मैं आपको क्रेटोस की पावर्स एंड एबिलिटीज का एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। सो क्रेटोस एक स्पार्टन वॉरियर था जो कि एरीज का चोजन वॉरियर था और एरीज की ही इन्फ्लुएंस में आके उसने अपनी ही फैमिली का मर्डर कर दिया एंड उसके बाद जो हुआ वो तो शायद हम और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे क्रेटोस ने एक के बाद एक सारे ग्रीक गॉड्स को डिफीट किया, फिर चाहे हम लोग बात करें हेडीज, हरक्यूलीज, हर्मीस या फिर एनी अदर गॉड की। एंड ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे उसने ओलंपस के रूलर ज्यूस को भी डिफीट किया जो कि बेसिकली उसका फादर भी था। सो ऑल नॉल उसने एक तरीके से पूरे ओलंपस को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड अब अगर हम लोग क्रेटोस के कुछ वेपन्स और उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो क्रेटोस के पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेपन्स है और वो वेपन्स बहुत ही ज्यादा डेडली हैं। बट जो चीज क्रेटोस के वेपन्स को और भी ज्यादा डेडली बनाती है वो है उसके स्किल्स एंड उसका एक्सपीरियंस। एंड गाइस यकीन मानिए किसी भी फाइट में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो उस फाइट का रिजल्ट भी तय करता है। तो यस क्रेटोस के पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। एंड गॉड ऑफ वॉर की लेटेस्ट इंस्टॉल में तो हमने ये भी देखा था कि उसका विजडम कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड अब अगर हम लोग बात करें उसके कुछ फिजिकल फीचर्स की तो क्रेटोस ने द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलीस को सरपास कर दिया था अपनी स्ट्रेंथ से। एंड सिर्फ इतना ही नहीं उसने बॉल्डर तक की नेक को बहुत बार ब्रेक किया, उसने हर्मीस को कैच करके उसके बूट्स एक्वायर किए। इससे तो आपको क्रेटोस की स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड का अंदाजा लग ही गया होगा। सो यस गाइस ये था क्रेटोस की एबिलिटीज का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रेटोस वर्सेस अदर मेंबर्स ऑफ एवेंजर्स। एंड यस पहले हम लोग बात करेंगे फैल्कन एंड विंटर सोल्जर वर्सेस क्रेटोस। सो गाइस एज वी नो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं एंड ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रांग भी हैं, बट ये इनफ नहीं है क्रेटोस जैसे गॉड को डिफीट करने के लिए। इनफैक्ट क्रेटोस को तो ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी इन दोनों को फेस करने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जो कि पीक कंडीशनिंग में हैं। सो यस क्रेटोस विक्टोरियस इमर्ज होगा और इन दोनों को काफी इजीली डिफीट कर देगा। सो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंडर्स यानी कि ब्लैक पैंथर एंड वॉर मशीन वर्सेस क्रेटोस। सो गाइस ब्लैक पैंथर का टेक एंड वॉर मशीन का सूट थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं क्रेटोस के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि वॉर मशीन के ह्यूमन मेड वेपन्स क्रेटोस को ज्यादा हार्म कर भी पाएंगे और ना ही ब्लैक पैंथर के क्लॉज या फिर उसका कोई अदर वेपन क्रेटोस को ज्यादा हार्म कर पाएगा। बट फिर भी क्रेटोस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है इन दोनों से फाइट करते समय, बट येट एट द एंड ऑफ द डे क्रेटोस विक्टोरियस इमर्ज होगा एंड इन दोनों को भी डिफीट कर ही देगा। सो अब क्रेटोस के लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी स्टार्ट होने वाली हैं, बिकॉज अब जो कैरेक्टर्स आने वाले हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर्स कैरी करते हैं। सो यस पहले हम लोग बात करें क्रेटोस वर्सेस कैप्टन मार्वल की। तो कैप्टन मार्वल की एनर्जी एब्जॉर्प्शन, उसकी वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड एंड यस उसका बाइनरी फॉर्म काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा क्रेटोस के लिए। यहाँ पे जो चीज कैप्टन मार्वल को बहुत ज्यादा फेवर करेगी वो है उसकी स्पीड। बेशक क्रेटोस के पास भी बूट्स ऑफ हर्मीस हैं, बट फिर भी वो उनसे कैप्टन मार्वल की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता है, बिकॉज कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड इतना ही नहीं कैप्टन मार्वल के पंचेस काफी ज्यादा हर्ट कर सकते हैं क्रेटोस को एंड उसके एनर्जी ब्लास्ट्स भी। सो ये सारी चीजें क्रेटोस के साथ बैटल में कैप्टन मार्वल को फेवर करेंगी, बट यट जो चीज यहाँ क्रेटोस को फेवर करेगी वो है उसका एक्सपीरियंस और उसके वेपन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस क्रेटोस के पास वैरायटी ऑफ वेपन्स हैं एंड इतने सारे गॉड्स को मारने के बाद उसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल पे है। वो कैप्टन मार्वल को डिफीट करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बना सकता है। एंड यस जैसा कि मैंने वेपन्स की
बात की तो क्रेटोस के पास है क्लॉज ऑफ हेडीज, जिससे वो किसी भी बींग की सोल निकाल सकता है, हेड ऑफ मेड्यूसा, जिससे वो किसी भी बींग को पत्थर का बना सकता है, एंड ऑफ कोर्स ब्लेड ऑफ ओलंपस। एंड आई डोंट थिंक कि कैप्टन मार्वल ब्लेड ऑफ ओलंपस के ब्लोज को सरवाइव कर पाएगी फाइट में। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये फाइट तो काफी ज्यादा लंबी चलेगी और काफी ज्यादा डेडली होगी, बट लास्ट में क्रेटोस जीत सकता है इस बैटल को अपने वेपन्स, अपने एक्सपीरियंस और अपने स्किल्स के बलबूते पे। हालांकि कैप्टन मार्वल के पास भी एक फेयर चांस है जीतने का। सो यस, अब अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कंटेंडर्स की, तो वो है स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। अब गाइस यहाँ क्रेटोस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज स्कारलेट विच और डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे मैजिक परफॉर्म कर सकते हैं जो कि क्रेटोस को काफी ज्यादा मुसीबत में डाल देंगे। ये दोनों ही एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स में से एक है एंड ये दोनों ही एक फेयर चांस पोजेस करते हैं क्रेटोस को एक फेयर बैटल में डिफीट करने का। एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को तो हरा पाना क्रेटोस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसके लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि क्रेटोस डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्कारलेट विच को डिफीट नहीं कर सकता है। क्रेटोस के पास भी डिफरेंट टाइप ऑफ रेलिक्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैं, जिससे वो किसी भी टाइप के मैजिक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर किसी भी इल्यूजन को ब्रेक कर सकता है। एंड कुछ आर्टिफैक्ट्स का यूज करके तो वो मैजिक से रेजिस्टेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्रेटोस भी एक फेयर बैटल में जीतने का चांस पोजेस करता है। सो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस क्रेटोस की बैटल तो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी, बिकॉज इन दोनों में कोई भी जीत सकता है। एंड गाइज, अब अगर हम लोग बात करें ओरिजिनल सिक्स मेंबर्स विद ऑल दीज सुपर हीरोज वर्सेस क्रेटोस की, तब तो इसका आंसर ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे ये सारे सुपर हीरोज मिलके क्रेटोस को डिफीट कर सकते हैं, तब तो क्रेटोस के पास शायद ही कोई विनिंग पॉसिबिलिटी बचे। बट यस, रैंडम इनकाउंटर में क्रेटोस एक चांस रख सकता है इन सारे सुपर हीरोज को डिफीट करने का। सो यस गाइज, ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। एंड अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यस, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्रेटोस वर्सेस जस्टिस लीग भी बनाऊं, तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड यस गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।